हाँ, ये बंदा क्या गा रहा था और इसने क्या गाने की कोशिश करी, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया। बट ये जरूर समझ में आ गया कि ये जो नया एक्सचेंज स्टोर हमारे गेम के अंदर ओबी अपडेट के बाद आ रहा है, यहाँ पर एक से एक मस्त मस्त आइटम मिल रहे हैं। बट ये जो टोकन है ना भाई, ये टोकन बहुत ही डिफिकल्टी से कलेक्ट हो पा रहे हैं। इसलिए गाइस मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके का यूज करके आप लोग बहुत ही जल्दी जल्दी ये टोकन को कलेक्ट कर पाओगे। फिर टोकन एक्सचेंज करने पर आप लोग इमोट, गन, स्किन, जो भी चाहिए सब कुछ ले सकते हो। सुन लो मेरी बात। हाँ भाई, पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बस टोकन कलेक्ट करना ही नहीं बल्कि हमारे गेम के अंदर आने वाले एक से एक ओपी ओपी इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ गाइस, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट का रिव्यू करवाऊंगा। नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट में कौन सा ईवो गन आने वाला है ये भी बताऊंगा। और हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आज मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से फ्री फायर एक्स अमेज़न कोलैबोरेशन का एक फ्री इवेंट मिला है, तो वो फ्री इवेंट का रिव्यू भी मैं आज आप लोगों को करवा दूंगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अरे बस धक धक नहीं भाई, आज के वीडियो देखने के बाद तो तुम्हारा दिल एकदम खुशी से झूम उठेगा। तो बस यार, तुम लोग ये वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, मेरी गारंटी है आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। हाँ चलो चलो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले अमेज़न कोलैबोरेशन के फ्री इवेंट का ही रिव्यू करवा देता हूँ। तो अभी यार आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो इवेंट गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यही हमारे गेम के अंदर आने वाले फ्री फायर एक्स अमेज़न कोलैबोरेशन का फ्री इवेंट। एंड इस इवेंट के अंदर गाइस सबसे पहले तो हम लोगों को अमेज़न सर का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो थाला नाम है इस कैरेक्टर का, एंड इसका लुक भी अमेज़न सर की तरह ही है। बट थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, यार पर्सनली मुझे ये कैरेक्टर का लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई। इसका बंडल ग्रीन कार्टून सा बना रखा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देन फिर तो गाइस हम लोगों को ये इवेंट के अंदर अमेज़न सर के कोलैबोरेशन वाला इमोट भी देखने को मिलेगा। भाई ये हेलीकॉप्टर शॉट इमोट बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। जितना मुझे कैरेक्टर पसंद नहीं आया था उससे डबल पसंद तो मुझे ये इमोट आया। खैर फिर गाइस, इमोट के बाद हम लोगों को इस इवेंट के अंदर एक बाइक का स्किन देखने को मिल रहा है। अब अगर यार मैं आप लोगों को ये इवेंट के रिगार्डिंग अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूं, तो भाई मुझे तो ये इवेंट काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि गाइस इस इवेंट के अंदर से हम लोगों को अमेज़न सर के कोलैबोरेशन के आइटम्स मिल रहे हैं। और ये बात यार मैं आप लोगों को बहुत टाइम पहले ही बता चुका था कि अमेज़न सर का जो कोलैबोरेशन है वो फ्री फायर इंडिया लॉन्च के बाद आएगा। अब मुझे आज एकदम से हमारे गेम की फाइल के अंदर से फ्री इवेंट मिला है, इसका मतलब ये होता है कि गाइस अब बहुत जल्द फ्री फायर इंडिया लॉन्च भी होने वाला है। क्योंकि गाइस पहले फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगा, देन हम लोगों को हमारे गेम के अंदर अमेज़न सर का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। सच में भाई, आज का ये जो फ्री इवेंट मुझे मिला है ये फ्री फायर इंडिया अपकमिंग की बहुत ही बड़ी हिंट है। तो अभी यार मेरे हिसाब से तो फ्री फायर इंडिया को 3 से 4 वीक्स के अंदर ही आ जाना चाहिए। बाकी बस यार मुझे तो ये फ्री इवेंट हमारे गेम की फाइल के अंदर मिला था, तो मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू करवाया। अभी फ्री फायर इंडिया कब लॉन्च होगा, ये इवेंट कब आएगा, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। बस भाई एग्जैक्ट सेम टू सेम ये इवेंट हमारे गेम की फाइल के अंदर पड़ा था, मैंने उठा के आपको दिखा दिया। बाकी गाइस आप लोग चिंता मत करो, आने वाले टाइम पे अगर मुझे फ्री फायर एक्स अमेज़न सर के कोलैबोरेशन के बारे में कुछ पता चला या फिर फ्री फायर इंडिया लॉन्च के बारे में कुछ पता चला, तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी अभी तो यार फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट के बारे में बताता हूँ। जी हाँ गाइस, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर जो नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट आएगा वो कैसा रहेगा। नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट के अंदर आखिर कौन से ईवो गन आने वाले हैं। हाँ तो देखो गाइस, 13 दिनों के बाद हमारे इंडिया सर्वर के अंदर न्यू ईवो वॉल्ट इवेंट आने वाला है। एंड जो हमारा न्यू ईवो वॉल्ट इवेंट है वो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। भाई सच में यार ये ईवो वॉल्ट इवेंट बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो गाइस ईवो G18 अवेलेबल है। और गाइस मैं आप सभी लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, जब ये OB44 अपडेट आया भी नहीं था, मैंने तभी आप सभी लोगों को क्लियर कर दिया था कि हमारे गेम के अंदर जो नया ईवो गन आएगा वो ईवो G18 ही होगा। बाकी फाइनली गाइस आप लोग स्क्रीन पर अभी हमारा नया ईवो वॉल्ट इवेंट देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर गाइस ईवो G18 अवेलेबल है, ईवो स्कार अवेलेबल है, हाँ गाइस यहाँ पर मैग्लोडोन स्कार है, देन हम लोगों को यहाँ पर थॉमसन और MP5 का स्किन भी देखने को मिल रहा है। हाँ तो फिलहाल गाइस देखो, अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट का पूरा एग्जैक्ट रिव्यू करवा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट पसंद आया होगा। मुझे तो गाइस पर्सनली ये ईवो वॉल्ट इवेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बाकी अभी मैं आप लोगों को इसका कंफर्म डेट वगैरह भी सब कुछ बता चुका हूँ। तो इसलिए गाइस अभी ना हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ये नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट कैसा लगा। अभी गाइस मैं ना आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक रिंग इवेंट के बारे में बताता हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट रिंग इवेंट है। हाँ तो यार अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो यार आप लोग अभी स्क्रीन
पर रिंग इवेंट देख पा रहे हो यार। नेक्स्ट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ना यही वाला रिंग इवेंट आएगा जहाँ पर हम लोगों को दो बंडल देखने को मिलेंगे। पहले बंडल का नाम है स्कॉर्चिंग बंडल। आप लोग देख सकते हो बंडल बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर से काफी कमाल का फायरी इफेक्ट आ रहा है। इसका लुक भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड हाँ, सबसे ज्यादा स्पेशल बात मैं आप लोगों को बताऊं तो कमाल के स्कॉर्चिंग सील बंडल के अंदर हम लोगों को एलिमिनेशन और नॉकडाउन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। देन फिर तो गाइस देखो, हम लोगों को स्कॉर्चिंग सील बंडल के साथ साथ ये रिंग इवेंट के अंदर फ्लेमिंग होलो फेस बंडल भी देखने को मिलेगा। अब गाइस देखो, यहाँ पर जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लोग सोच रहे होंगे इस रिंग इवेंट के अंदर तो गोल्डन शेड बंडल आने वाला था, फियोनिक्स बंडल आने वाला था। तो गाइस मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं, अभी कुछ ही टाइम पहले करीना ने हमारे गेम की फाइल के अंदर ये रिंग इवेंट को अपडेट किया है। पहले हमारे गेम की फाइल के अंदर कुछ इस तरीके का रिंग इवेंट अवेलेबल था जहाँ पर हम लोगों को स्कॉर्चिंग सील बंडल के साथ साथ गोल्डन शेड बंडल भी देखने को मिल रहा था। बट गाइस अभी मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 22 अप्रैल के दिन जो रिंग इवेंट आएगा वहां पर स्कॉर्चिंग सील बंडल और साथ ही साथ फ्लेमिंग होलो फेस बंडल होगा। मैं फिर से गाइस आप लोगों को क्लियर कर दूं, रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर 22 अप्रैल के दिन आएगा, 100% कंफर्म डेट है। बाकी फिर गाइस जब 10-15 दिनों के बाद हमारे गेम के अंदर से ये रिंग इवेंट रिमूव होगा तो फिर हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर एक और रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जिस रिंग इवेंट के अंदर हम लोगों को गोल्डन शेड बंडल वगैरह देखने को मिलेंगे। हां गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होगे, यहां पर गोल्डन शेड बंडल है, नेवी शेड बंडल है, फैंटम समुराई बंडल है और इन्हीं सबके पार्टनर फीमेल बंडल भी है। हां गाइस ये रिंग इवेंट के अंदर तो एक ही फीमेल बंडल है बट इनका जो टोकन एक्सचेंज इवेंट है वहां पर हम लोगों को और भी सारे फीमेल बंडल वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो देखो गाइस अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, गरीना हमारे गेम के अंदर गोल्डन शेड बंडल को भी रिटर्न पे लाने वाला है, साथ ही साथ स्कॉर्चिंग सील बंडल को भी भेजने वाला है। एंड अभी मैंने आप लोगों को गोल्डन शेड बंडल, स्कॉर्चिंग सील बंडल दोनों के ही रिंग इवेंट का रिव्यू करवा दिया है। एंड आप लोगों को ये भी बता दिया है कि पहले कौन सा रिंग इवेंट आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा रिंग इवेंट आएगा। भाई समझाते मैं बहुत ज्यादा डिटेल पे चला जाता हूं, इसलिए यार उम्मीद करता हूं अभी आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर यार आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई करके आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बाकी यार फिलहाल अभी तो गाइस हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले अपकमिंग कुछ और इवेंट्स के बारे में बताता हूं। हां जी, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये टॉप अप बोनस इवेंट को देखो। मैं आपको बता दूं यार, ये एक बहुत ही सिंपल सा इवेंट है जहां पर आप लोगों को टॉप अप करने पर कुछ एक्स्ट्रा डायमंड का बोनस मिलेगा। मैं क्लियर कर दूं गाइस, यहां पर हम लोगों को सबसे पहले 50 डायमंड का टॉप अप करने पर 25 डायमंड मिलेंगे, फिर हम लोगों को 140 डायमंड का टॉप अप करने पर फिर से 50 डायमंड मिलेंगे और आखिर में जैसे आप लोग 300 डायमंड का टॉप अप कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को 100 डायमंड मिलेंगे। भाई सीधा सीधा बोलूं तो अगर आप लोग एक बार यहां पर से 300 डायमंड का टॉप अप कर लेते हो तो आप लोगों को 175 डायमंड्स मिलने वाले हैं। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये इवेंट काफी ज्यादा बढ़िया है। वैसे भी गेम के अंदर हम लोग टॉप अप करते रहते हैं एंड अगर हम लोगों को फ्री में 300 डायमंड का टॉप अप करने पर 175 डायमंड फ्री मिलते हैं यार, ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है। देखो गाइस मुझे तो सच में ये इवेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैं जानता हूं ये इवेंट आप लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा, इसीलिए गाइस अभी ना हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी मैं आप लोगों को ये रिंग इवेंट की कंफर्म डेट के बारे में बताता हूं। हां गाइस देखो, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर वैसे अभी कुछ ही टाइम पहले ही 100% बोनस टॉप अप इवेंट आया था, इसलिए गाइस अभी एकदम से हम लोगों को ये वाला इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यार ये इवेंट तो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर अप्रैल मंथ की एंडिंग में वही कुछ 28-29 तारीख के आसपास आने वाला है। तो भाई अभी आप लोगों को ये बोनस टॉप अप इवेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन हां अभी तुम लोग एक काम जरूर करना भाई, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अभी गाइस हम लोग फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है फ्री अनलिमिटेड टोकन। हां गाइस आप लोगों को पता होगा ये टोकन एक्सचेंज इवेंट हमारे गेम के अंदर आ रखा है और अभी के टाइम पे सभी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग इस इवेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा टोकन को कलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा आइटम्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो टोकन कलेक्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जोम्बी हंट मोड के अंदर इजी, नॉर्मल और हार्ड तीन तरीके के गेम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो इजी वाला गेम है, ये इजी वाला गेम खेलने पर हम लोगों को 15 ग्रिम टोकन मिलते हैं बुया करने पर। फिर गाइस इजी के बाद जो यहाँ पर हमारा नॉर्मल वाला मोड है, नॉर्मल वाले मोड के अंदर से हम लोगों को मिलते हैं 30 टोकन। एट द एंड गाइस यहाँ पर जो हार्ड है, हार्ड वाला गेम खेलने पर हम लोगों को पूरे 40 टोकन मिलते हैं। बट भाई हार्ड में बुया करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई मैं अपनी एक पूरी बढ़िया स्क्वाड लेकर गेम खेलता हूं एंड मैं मीडियम मोड को खेलता हूं, क्योंकि हार्ड में भाई कई बार जीतना बहुत टफ हो जाता है, मीडियम में हम लोग इजीली जीत जाते हैं और हम लोगों को एक बार में ही 30 टोकन मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही है। बाकी फिर गाइस गेम प्ले के अलावा आप लोगों को ये कुछ क्रेट्स भी देखने को मिलती है, इजी, नॉर्मल और हार्ड तीनों ही जगह क्रेट्स होती है। तो यहाँ पर गाइस इजी वाले मोड की जो क्रेट्स होती है यहाँ पर से हम लोगों को 50 टोकन मिलते हैं, फिर यहाँ पर नॉर्मल वाली जो क्रेट है इन क्रेट्स के अंदर से हम लोगों को 100 टोकन मिलते हैं। भाई बहुत सही टोकन मिलता है क्रेट्स के अंदर से। तो बाकी अगर अभी हम लोग हार्ड मोड की क्रेट्स की बात करें तो गाइस जो हार्ड मोड के अंदर क्रेट है यहाँ पर से 250 टोकन मिलते हैं। तो यार आप लोग भी मेरी तरह कर सकते हो, पहले ये क्रेट्स को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद नॉर्मल मोड में गेम खेला, जैसे कि ठीक ठाक टोकन कलेक्ट हो जाते हैं, बाकी क्रेट्स आप लोग पहले क्लेम कर लेना क्योंकि क्रेट्स में बहुत ज्यादा टोकन होते हैं। फिर गाइस ये मोड्स को जीतने के लिए आप लोग यहाँ पर टैलेंट वाले ऑप्शन पे जाके अलग अलग स्किल्स को यूज कर सकते हो। हाँ भाई आप लोग यहाँ पर टोकन लगा के स्किल्स ले सकते हो, जो टोकन
यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो तो जॉम्बी मोड खेलने पर बहुत इजीली मिल जाते हैं। भाई मैं तो यहाँ पर से पहले स्किल्स को अनलॉक किया था, आप लोग भी यहाँ पर से स्किल्स को अनलॉक करना, फिर इजी नॉर्मल हार्ड तीनों ही जगह से क्रेट्स को कलेक्ट करना। जब आप लोग क्रेट्स को कलेक्ट कर लो उसके बाद आप लोग नॉर्मल मोड खेल लेना, क्योंकि नॉर्मल मोड में इजीली भूया भी हो जाता है और आप लोगों को यहाँ पर से इजी तरीके से टोकन्स भी मिल जाएंगे। तो राइट गाइस, अभी मैंने आप लोगों को टोकन्स कलेक्ट करना तो सिखा दिया है, तो उम्मीद है यार आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी अभी तो गाइस हम लोग हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में, जिन कमेंट्स को मैंने कल की वीडियो से पिक कर रखा है। हां तो भाई यहां पर जो हमारा सबसे पहला कमेंट है, इस कमेंट में ये बंदा लिखता है कि नेट जाती है तो प्लेयर अटका पड़ता है, कि नेट जाती है तो प्लेयर अटका पड़ता था, कि नेट जाती है तो प्लेयर अटका पड़ता था। उज्जवल भाई को तो देखो कब से 403 लाख में अटका पड़ा है। इमोशनल डैमेज, सच में भाई ये बहुत ही गंदा वाला इमोशनल डैमेज है। एक तो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, आज ये बंदा ताना मार गया कि भाई 403 में ही अटका हुआ है। तो भाई सभी लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो, 404,000 तो पहुंचा दो, 3,000 में अटके। ऐसा मत करो मेरी जान, सच में यार ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो। एंड अभी जरा हमारा अगला कमेंट स्क्रीन पर देखो, जिस कमेंट में ये बंदा लिखता है अभी हम मास्टर पर है, ग्रैंड मास्टर जाना अभी बाकी है, कि अभी हम मास्टर पे है, ग्रैंड मास्टर जाना अभी बाकी है, तुम अपनी खूबसूरती का अचार डालो, हमारे लिए तो फ्री पैरी काफी है। अरे वाह भाई वाह, बड़ा खतरनाक कमेंट किया यार, मजा ही आ गया, एकदम मस्त है यार। बाकी अभी तो हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा अगला कमेंट, जिस कमेंट में बंदा लिखता है इस करना है तो फ्री फायर से करो, इस करना है तो फ्री फायर से करो, क्योंकि फ्री फायर बैन हो सकता है, बेवफा नहीं। हाँ तो यार हमारा जो अगला कमेंट है, इस कमेंट में बंदे ने लिखा है हम तो फ्री फायर वाले हैं, किसी का रिचार्ज नहीं करते, हम भूया पास खरीदते हैं। भाई बात तो बिल्कुल सही है, बट मैंने तो यार कब से भूया पास भी नहीं खरीदा, कसम से अब गेम में टॉप अप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, इसलिए मैं खुद का टॉप अप करने की जगह आप लोगों के लिए डायमंड गिव अवे कर देता हूँ। खैर अभी तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला कमेंट, जिस कमेंट में बंदा लिखता है हमें तो फ्री फायर ने लूटा पबजी में कहां दम था, हमें तो फ्री फायर ने लूटा पबजी में कहां दम था, हम वहां मरे जहां लूट कम था। अरे भाई भाई ये सब तो होता रहता है, आज ही के दिन में लूट के चक्कर में पीक पे उतर गया था, भाई लैंड नहीं हुआ उससे पहले लॉबी पे आ गया। खैर अभी आप लोग ये सब छोड़ो और हमारा अगला कमेंट पढ़ो, जिस कमेंट में सुजीत भाई लिखते हैं फूल है गुलाब का नशा है शराब का, फूल है गुलाब का नशा है शराब का, उज्जवल भाई मेरी सेटिंग करवा दो भला होगा आपका। अरे भाई ये क्या है यार, मैं खुद सिंगल हूँ, तुम्हारी सेटिंग कहाँ से करवा दूँ, सच में यार शर्म करो। बाकी हाँ अभी जरा हमारा अगला कमेंट पढ़ो, जिस कमेंट में प्रशांत भाई ने लिखा है पहाड़ के आगे तो खाई है, कि पहाड़ के आगे तो खाई है, कि पहाड़ के आगे तो खाई है, सबसे हैंडसम उज्जवल भाई है। अरे भाई भाई कितना मस्त कमेंट था, एकदम दिल पे लग गया। बाकी थैंक यू गाइस इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। एंड अगर अभी हम लोग यार ये वीडियो की तरफ ध्यान दें, तो भाई अभी ये वीडियो ना बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है, तो अभी गाइस हम लोग आज के बहुत ही कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोग चिंता मत करो, आज ही की तरह कल भी मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स को पिक करूंगा, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों का कमेंट भी पिक करूं, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दूं, तो बस यार आप लोग आज की वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स करना, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आप लोग करोगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मुझे आप लोगों का कमेंट दिखे और मैं उसे पिक कर सकूं। ऑलराइट भाई अभी तुम लोग कमेंट्स करो, मैं मिलता हूं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।